हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेड का गुलाब जामुन बनाएंगे। ये देखिए, ब्रेड ले लिए हैं, ये 12 पीसेस है, 12 पीस है। इसे हम इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। ये देखिए, डेक्ची को हम गैस पर चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें एक कटोरा, ये देखिए, इस कटोरे से हमने एक कटोरा चीनी ले लिए हैं और अब हम इसे भंगोड़े में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे और एक कटोरा लेंगे, क्योंकि 12 पीसेस है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा लगेगा, चाशनी ज़्यादा लगेगा, तो हम और डाल देंगे। और हम अब इसमें इसी कटोरे से नाप कर हम इसमें पानी डालेंगे। डेढ़ कटोरा पानी डालेंगे। देखिए, इतना पानी लिए हैं, अब हम इसे डाल देंगे और हम आधा डालेंगे, आधा कटोरी पानी। ये देखिए, आधा कटोरी पानी लिए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे और इसे हम चाशनी बना लेते हैं सबसे पहले। और हम इलायची डाल देंगे, अब हम इसे चला लेंगे। इसे अब हम घुलने देंगे। देखिए, घुल रहा है। चाशनी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसे हमें चिपचिपा ही बनाना है, तार नहीं बनाना है, इसे हमें चिपचिपा रहने तक बनाना है। इसे घुलने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चाशनी बन के रेडी हो गया है। इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए, इस तरह से रखना है, चिपचिपा बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। काजू को हम कट कर लिए हैं, किशमिश को भी कट कर लिए हैं, और ये है नारियल का मुरादा। ये स्टफिंग के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी को डाल दिए हैं, अब हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, इसमें कलर अच्छा आएगा। आपके पास कलर होगा खाने वाला फूड, इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि कलर हो आ जाएगा अच्छा, इससे ही कलर अच्छा आ जाएगा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और ब्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो साइड का है, इसे हम ब्राउन वाला पार्ट, इसे हम कट कर देंगे, वाइट पार्ट हमें रखना है। तो देखिए, चलिए अब हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से काट लेना है। अब हम इसे तोड़ देंगे, ये आराम से टूट जाएगा। बासी पाव रोटी रहने से बहुत ही अच्छा इसका गुलाब जामुन बनता है। ये मेरे पास बासी ही है, तो इसका गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, अच्छा से मैश हो जाएगा। तो इसे अब हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा तरह से क्रश हो गया है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी चला सकते हैं, लेकिन ये देखिए, हाथ से ही बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हम सान लेंगे। अब हम इसे दूध डालकर सान लेंगे। आपके पास मलाई वाला दूध हो तो मलाई वाला दूध भी डाल सकते हैं, या प्लेन सिंपल जो दूध होता है उसमें बिना मलाई का, वो भी डाल के आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे डाल कर सान लेते हैं। इसमें एक बार में दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध कर डालें, क्योंकि एक बार डालने से बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध, जितना लगेगा उतना हम डाल लेंगे। ये देखिए, डो बन गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसे हम गुलाब जामुन बनाएंगे।
ये देखिए 5 मिनट रेस्ट के लिए हो गया है। अब इसे हम मल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसे मल लिए हैं। अब इसे हम गोल गोल लोई बना लेंगे और उसमें स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। हाथ में इस तरह से घी लगा लेना है, चिकना कर लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा लेकर लोई बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग इस तरह से भर लेना है और इसे गोल बना लेना है। ये देखिए देखिए सभी को हम बना लिए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, इसे तेज गरम करके इसे कम कर देना है आँच को, इसे हाई नहीं रखना है, कम कर देंगे। उसके बाद में इसे हम डालकर छान लेंगे। जितना कढ़ाई में आ जाता है उतना हम डाल देंगे। डालकर हम सभी को छान लेंगे। इसे तुरंत चलाना नहीं है, इसे आस्ते आस्ते इसे होने देते हैं, उसके बाद में इसे हम चला लेंगे। तुरंत पलटने से क्या होगा कि वो टूट जाएगा, इसलिए इसे हम पकने देंगे। आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, मीडियम रखेंगे। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे सटा नहीं है, तुरंत करने से वो सट जाता है। देखिए अपने आप ये सब अलग हो जाएगा। देखिए इसे और हम थोड़ा सा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे हल्का हल्का चला लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम चला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी थोड़ा हल्का गुनगुना रहना चाहिए। अब इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से गुलाब जामुन बनाइए और खाइए। आपको हम काट के दिखाते हैं कि कैसा है भीतर में।
ये देखिए कितना स्पॉन्जी बनके रेडी हुआ है। ये देखिए भीतर का कलर क्या सुंदर आया है। इस तरह से आप बनाइए और खाइए, फैमिली को खिलाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए इस तरीके से बनाकर खाइए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा।